नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता जो खत्म हो गया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवियां हम देखो, वैसे तो पटवार की हम बात करें तो पटवार में इसका कोई स्पेशल टॉपिक नहीं दिया, लेकिन पटवार में ये आता है। कैसे आता है कि अगर आपको पूछ ले कि कछुआ वंश की कुलदेवी कौन सी है, इष्ट देवी कौन सी है, या आराध्य देवी कौन सी है, या चौहानों की इष्ट देवी आराध्य देवी कुलदेवी कौन सी, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप, अगर आपको पता ही नहीं है कि लोक देवियां होती क्या है, कौन से वंश की कौन सी लोक देवी है, किसने कहाँ स्थापना की, तो डायरेक्ट टॉपिक तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट टॉपिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये हाईकोर्ट में आता है, पुलिस में स्पेशल है, हाईकोर्ट में भी स्पेशल है। राजस्थान के लोक देवी है, देवी एंड देवता, और लगभग राजस्थान के सभी एग्जामों में इसका क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवी, अब देखो दोस्तों, एक तो होती है लोक देवी, अलग अलग प्रकार है। एक होती है लोक देवी, क्या होती है लोक देवी, एक होती है इष्ट देवी, क्या होती है इष्ट देवी, एक होती है आराध्य देवी और एक होती है कुल देवी, क्या होती है कुल देवी, जो अपने कुल की देवी होती है उसे कुल देवी बोलते हैं। देखो इनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है लोक देवी में, इष्ट देवी में और आराध्य देवी में। लोक देवी दो जो होती है ना, वो तो सेक्टर विशेष में होती है, ठीक है, उस सेक्टर की होती है वो, जैसे जीण माता, करणी माता, जैसे कोई सेक्टर का, मान लो सेक्टर विशेष में लोक देवी होती है, थोड़ा इनका एरिया बड़ा होता है। ठीक है, सभी जाति मानती इनको, सभी कुल इनको पूजते हैं, सभी जाति पूजती है, सभी कुल इनको पूजते हैं। एक सेक्टर विशेष में होती है, जैसे राजस्थान में करणी माता, जीण माता को पूजा जाता है, उसे बोलते हैं इष्ट कुल देवी, और इष्ट देवी आराध्य देवी एक ही समझ लो आप, ये दोनों एक ही है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। इष्ट देवी या आराध्य देवी क्या होती है, जिस देवी को किसी चमत्कार के कारण या प्रारंभ कर देते, अपन कोई चमत्कार देखा या कोई अपा बेकी कोई ऐसी कोई चीज सुना के भाई फलानी जगह ऐसा काम किया और इसका परिणाम ये रहा, तो उसे इष्ट देवी आराध्य देवी बोलते। जैसे हम कभी कोई दोस्त साथ हो जाता है और उस दोस्त के साथ किसी वो मंदिर में जा रहा है और हम उसके साथ चले गए, हम वहां पे प्रसाद वसाद चढ़ाए और हमको वो पसंद आ जाए कि भाई इसके चमत्कार अच्छे, अच्छा काम किया है, और हमारे मन में बस जाए वो, तो अगर हम उनको मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे, मूर्ति वगैरह लग रखते हैं घर में, तो उसे इष्ट देवी आराध्य देवी कहते हैं। हम वहां जाएंगे, मंदिर की बातें सुनेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे, तो हमें वो पसंद आ जाए तो हम वहां से एक मूर्ति लेके आएंगे, उसका प्रसाद चढ़ाएंगे, तो उसे इष्ट देवी आराध्य देवी कहते हैं। कुल देवी क्या होती है दोस्तों, कुल देवी वो होती है, ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज है, कुल देवी क्या है, मोस्ट और IMPORTANT इंपॉर्टेंट होती है, जिस देवी को प्रारंभ से मानते आ रहे हैं वे कुल देवी होती है। ये किसी जाति, समाज, वंश, परिवार एक ही होती है। जैसे हमारे कुलदेवी होती है, जैसे हमारे दादा भी उसी देवी को पूजते आ रहे हैं, हमारे पिताजी भी उसी देवी को पूजते आ रहे हैं, और हमको भी ये बोल दिया कि इसको इसकी पूजा करनी है, इसकी स्थापना करनी है, और मतलब इसके प्रसाद वगैरह चढ़ाना है और इसको मानना है। हमारे परदादा भी उसको मानते थे, हमारे दादाजी भी उनको मानते थे, और हमारे पिताजी भी उनको मानते, और हम भी इनको मानेंगे, तो उसे कुल की देवी कहते। अरे घर का हो ना भाई, एक ही लाके देवे, ठीक है, और आपा इष्ट देवी आराध्य देवी बहुत सारी मान ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुल देवी जो होती है एक ही होती है। जैसे किन की आशापुरा माता होती है, किन की जीण माता होती है, किन की करणी माता होती है, एक माता की पूजा होती है, जैसे दधीमती माता जी की होती है, तो वो होती है कुल देवी, और घर का एक ही लाके देवे, बाकी तो आप बोले कितनी मान लियो, अपन प्रसाद चढ़ाने की, बैलेंस रिचार्ज करवाने की उठूनी, ठीक है, अपन तो घर का एक ही देवे लार, इस चीज की तानी जानी है, लेकिन आपा कति बनावा चावा जाती, क्योंकि अगर आप रिचार्ज कराने की ऊट है, अगर आप रिचार्ज करा सका, उनका खर्चा उठा सका, उनके प्रसाद चढ़ा सका, तो
तो वो होती है इष्ट देवी, आराध्य देवी। और जो घर के लाके देते हैं, एक ही लाके देते हैं, वो होती है कुल की देवी। ठीक है दोस्तों, आ गई बात समझ में। लोक देवी एक सेक्टर विशेष में होती है, जैसे राजस्थान में करणी माता, जीण माता को हम पूछते हैं, जीण माता मंदिर है वासा सीकर में, इनका मंदिर है। तो हम अब शुरू करते हैं इनका मैटर। ठीक है, कौन सी माता की कितनी डिटेल है, क्या क्या अच्छे काम किए, क्यों मनाया जाता है उनको, क्या उनका कारण है। ठीक है, सबसे पहले हम राजधानी से शुरू करेंगे। राजधानी, राजधानी मतलब जयपुर की देवी में पढ़ेंगे। कहाँ की पढ़ेंगे? जयपुर की। और जयपुर में एक बढ़िया फेमस माता है, कौन? जमुआई माता। जमुआई माता, या इनको हम बोल सकते हैं पुड़वाई माता। क्या बोल सकते हैं इनको? पुड़वाई माता, पुड़वाई माता या जमुआई माता। काम में, काम पर है ये, है जयपुर के हम लोक देवियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहां पे इनका मंदिर? मंदिर है जमुआ रामगढ़। कहां पे इनका मंदिर? जमुआ रामगढ़ की नामक एक जगह है जयपुर में। राजधानी के हम पढ़ रहे हैं जमुआ रामगढ़, कहां पड़ता है? जयपुर में। देखो इनका वास्तविक नाम तो जो है ये है कौन सा? बुढ़वाई माता। और जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर होने के कारण इसको क्या मानने लगे? जमुआई माता। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बात समझ में आपके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये कछुआ वंश की कुलदेवी है। कौन से वंश की? कछुआ वंश की, कछुआ वंश की कुलदेवी जमुआई माता। किन की कुलदेवी है? कछुआओं की। ठीक है, और किसने निर्माण करवाया? निर्माण करवाया कछुआ वंश का संस्थापक कौन था? दूल्हे राय। एक नाम इसका और आता है, क्या? तेजगरण। इसने इसका मंदिर का निर्माण करवाया। कछुआ वंश की कुलदेवी है जमुआई माता, कछुआ वंश का संस्थापक है दूल्हे राय या तेजगरण, जो इंडियन हिस्ट्री में इसका विस्तार से पढ़ेंगे। इन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की, इन्होंने इनकी तेजगरण ने मंदिर का निर्माण करवाया। बताते एक बार यहाँ पे अन्न की समस्या आ गई थी। किसकी आ गई थी? अन्न की, मतलब लोग भूखे मरने लगे थे, अकाल पड़ा था भयंकर। ठीक है, तो इन्होंने अन्न की व्यवस्था की, जैसे शाकंभरी माता ने की थी ना, वैसे ही इन्होंने अन्न की व्यवस्था की। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अन्नपूर्णा माता। क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता। किनको बोलते हैं? जमुआई माता को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता। इन्होंने एक बार अकाल पड़ा था, तब इन्होंने किसकी व्यवस्था की थी? अन्न की व्यवस्था की थी। एक चीज और जो नोट में लिख सकते हो आप, ढूंढाड़ को रामगढ़ को, सॉरी, रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो रामगढ़ है ना, इसको क्या बोला जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों? आगे बात समझ में चलूं, आगे रिपीट कर रहा हूं। जमुआई माता क्या पढ़ रहे हैं? लोक देवियां पढ़ रहे हैं। लोक देवियां में क्या पढ़ रहे हैं? जयपुर की लोक देवी पढ़ रहे हैं, जिसमें कौन सी पढ़ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कछुआ वंश की जमुआई माता, और या इनको बोल दो पुड़वाई माता। ठीक है, मंदिर कहाँ है इनका? जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़ कहाँ पड़ता है? जयपुर में। इनका रियल नाम, वास्तविक नाम क्या है? पुड़वाई माता है, लेकिन जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? जमुआई माता पड़ गया। किस वंश की कुल देवी है? कचौ वंश की। कचौ जो वंश था, वंश था जयपुर में, जिसका संस्थापक दूल्हे राय तेजगरण ने, इसने जमुआई माता का निर्माण, मंदिर का निर्माण कराया। और कचौ वंश की क्या है? कुल देवी है। एक बार जयपुर में अकाल पड़ा था, तब इनने अन्न की व्यवस्था की थी, किसकी तरह? शाकंभरी माता की तरह। तो इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया? अन्नपूर्णा माता बोलते हैं इनको। और क्या बोलते हैं? रामगढ़ जो है, जम्मू रामगढ़ जयपुर में, उसको ढूंढाड़ का पुष्कर बोला जाता है।
ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलो। ठीक है, इतनी सी बातें हैं जमुआई माता की। अब जयपुर की एक और माता लेते हैं, कौन सी? शीला माता। कौन सी माता? शीला। कौन सी? शीला माता। कौन सी माता ये? शीला माता। शीला माता, शीला माता का मंदिर की हम बात करें, मंदिर कहाँ है इनका? मंदिर पड़ता है जलेब चौक। जलेब चौक कहाँ है? आमेर में। और आमेर कहाँ पड़ता है? सबको पता है, जयपुर में। देखो दोस्तों, जयपुर में जलेब चौक है, कहाँ पे? आमेर के दुर्ग में। ये है आपका आमेर का दुर्ग, यहाँ जलेब चौक है, वहां पे मंदिर है इनका। किनका? ये लो, किनका मंदिर है? शीला माता का मंदिर है। ठीक है, ये क्या है? ये कछुआ वंश की आराध्य देवी है। क्या है ये? कछुआ वंश था ना, कछुआओं की आराध्य देवी है। कुलदेवी कौन है? जमुआई माता। और आराध्य देवी कौन है? शीला माता। ठीक है, कहानी क्या आती है? मानसिंह प्रथम इसकी मूर्ति लेके आया था। कहानी क्या है? मानसिंह प्रथम, मानसिंह सेकंड नहीं, ये मानसिंह प्रथम है, मानसिंह फर्स्ट। कहानी क्या आता है? अकबर के दरबार में ये मानसिंह, आपको पता होगा, नौ रत्नों में शामिल था, नौ महारथियों में शामिल था। कौन? मानसिंह। मानसिंह शामिल था किसके? नौ रत्नों में, महारथियों में शामिल था। किसके समकालीन था ये? अकबर के। सबको पता है। अकबर ने इसको भेजा कहां? बिहार वे बंगाल जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए? बिहार वे बंगाल जीतने के लिए अकबर ने इसको भेजा। बिहार तो जीत लिया, लेकिन बंगाल नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि बिहार पर तो अधिकार कर लिया, बंगाल नहीं जीत पाया था। बंगाल का राजा कौन था उस समय? बंगाल का राजा था केदार कायत। क्या नाम था? केदार कायत। बंगाल नहीं जीत पाया था। बंगाल क्यों नहीं जीत पाया था? बंगाल इसलिए नहीं जीत पाया था, कई बार आक्रमण किए, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, लेकिन नहीं जीत पाया। तो मानसिंह ने अकबर को पूछा के कारण है, तो वहां पे किसी ने बताया कि इसके पास एक मूर्ति है, काले रंग की है, अष्टभुजों की मूर्ति है, उसको कब्जे में करो, उसके बाद ही आप इसको हरा पाओगे। तो मानसिंह पहले उस मूर्ति को अपने कब्जे में करता है। उस मूर्ति क्या है? अष्टभुजा है, मतलब आठ हाथ है, और क्या है? काले रंग की है, काले रंग की है और अष्ट भुजा है उसके। ठीक है, वहां का शासक कौन? केदार का एक, उसको उस पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। क्यों? क्योंकि उससे वो मूर्ति छीन ली थी। कब छीनी थी? 1602 में। आक्रमण भी कब हुआ? 1602 में। उस मूर्ति को छीनने के बाद में मानसिंह ने यहां लाके कहा स्थापित किया? इसको जलेब चौक में मंदिर बनवाया, इसको इसकी स्थापना की मानसिंह प्रथम ने। और उसके बाद ऐसा मानते हैं यही इसका यही पूजा होती है, और प्रत्येक नवरात्रों में यहां मेला भरता है। प्रत्येक नवरात्रों में क्या होता है? शीला माता का मेला भरता है, जो साल में दो बार आती है। क्या आती है? नवरात्र। साल में दो बार यहां मेला भरता है। ठीक है, और क्या? यहां पे 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं।
क्या चढ़ते हैं? दही प्याले शराब के चढ़ते हैं। किनके? शीला माता के। दही प्याले शराब के चढ़ते हैं शीला माता के। अब देखो दोस्तों, दही का महत्वपूर्ण क्या है? दही क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, संस्कृत पाठशाला, याद है आपको? दही साग के हुए थे, कौन से दुर्ग में हुए थे? जैसलमेर में। दही दिन का प्यार, प्यार में भी दही शब्द होते हैं, ठीक है? ये तीन चार चीजें, दही बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो दही प्याले शराब चढ़ते हैं किनके? शीला माता के। वो चरणावर्त के रूप में, किसके रूप में? चरणावर्त के रूप में भक्तों को दी जाती है, थोड़ा थोड़ा, जैसे तुलसी और पानी का हम देते हैं ना, ऐसे करके पीते हैं और सर पर लगाते हैं, वैसे ही दही प्याले शराब दिए जाते हैं, ठीक है? भक्तों को दिए जाते हैं प्रसाद रूपी के रूप में, चरणावर्त के रूप में, ठीक है? प्रसाद के रूप में उनको, भक्तों को दिया जाता है। क्या? दही प्याले जो शराब चढ़ता है ना उसको, ऐसी शराब का चरणावत कहाँ चढ़ता है? जीण माता के चढ़ता है, रेवासा शिखर में जो है, जीण माता के, जीण माता के भी क्या चढ़ता है? शराब चढ़ता है, ठीक है? और क्या होता है इस माता के? कौन सी? शीला माता के छांग बलि दी जाती। ये क्या है? ये छांग का ही खाकड़ है। छांग का मतलब क्या होता है? पहले ये बंगाल में थी, तब इसकी क्या दी जाती थी? नर बलि दी जाती। उसके बाद इसको जयपुर लाए, तब बकरे की बलि दी जाने लगी, ठीक है? बकरे की बलि भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने पशु की बलि दी जाने पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी कि भाई पशुओं की आप बलि नहीं दे सकते, और नर की भी बलि देखना, अंग्रेजों ने रोक लगा दी कि आप नर की बलि नहीं दे सकते। अंग्रेजों ने रोक लगे, फिर बकरे की पशुओं की बलि देने लगे, पशुओं पर राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने रोक लगा दी। उसके बाद छांग बलि देने लगे। छांग बलि का मतलब क्या होता है? बकरे का कान, बकरे के कान चढ़ने लगे। छांग बलि उससे बोलते हैं जब बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं, उसे छांग बलि बोलते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में? ओके, आगे चलूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या पढ़ रहे हैं? शीला माता कहाँ की है? जयपुर की। मंदिर कहाँ है? जलेब चौक आमेर के दुर्ग में, ठीक है? कछुआ वंश की आराध्य देवी है। कुल देवी कौन है? जमुआई माता कछुआ वंश की। नवरात्रा में दो बार मेला भरता है। कौन लाके इसकी स्थापना की थी? मानसिंह प्रथम ने की थी। कहाँ से लेकर आया? बंगाल से लेकर आया। किससे चिन्हित थी? केदार कायत से चिन्हित थी। कब चिन्हित थी? 1602 में चिन्हित थी। कैसी आकृति उसकी? अष्टभुजा है, काले रंग की है, ठीक है? दही प्याले शराब के चढ़ते हैं, चरणावत के रूप में भक्तों को दी जाती है। आमेर दुर्ग में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है दोस्तों? इसके बाद हम पढ़ेंगे शाकंभरी माता नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों?